हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। किया सेल्टोस, सेल्टोस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। इंडियन मार्केट के अंदर जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो काफ़ी अच्छी खासी सेल्स फिगर पा रही थी और अभी भी ये गाड़ी अंधाधुन बिक रही है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो किया सेल्टोस को लेने का प्लान बना रहे होंगे, बट हाल ही में इस गाड़ी का एक ग्लोबल एनकैप हुआ था जिसमें क्रैश टेस्ट किया गया तो इस गाड़ी ने 3 स्टार रेटिंग अचीव करी, जो कि लोगों को काफ़ी डिसएग्री करी क्योंकि 3 स्टार रेटिंग और इतनी काफ़ी महंगी गाड़ी है तो शायद उन लोगों को हजम नहीं हुई। और जो 3 स्टार रेटिंग है शायद आज वो प्रूव भी करती है। आज का जो इंसिडेंट है उसमें आप लोग देखोगे कि एक टाटा हैरियर और एक सेल्टोस का क्रैश होता है और सेल्टोस का इतना बुरा हाल होता है और हैरियर वहीं जैसा कि टाटा की और गाड़ियों का हाल है भाई 5 स्टार बोलता है और सामने दिखता भी है। तो आप लोग मेरी इस बात से एग्री हो या नहीं ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब ये जो इंसिडेंट है ये कहाँ का है ये एग्जैक्ट नहीं पता, बट यहाँ पर होता क्या है कि जो हैरियर है वो 30 से 40 की स्पीड से आ रही होती है और जो सडनली एक सेल्टोस जो कि 80 की स्पीड से इस गाड़ी को साइड से मतलब टी पॉइंट से हिट करती है, जो कि लेफ्ट दरवाज़ा रहता है हैरियर का, सीधा सीधा उसमें। अब आप लोगों को इमेजेस देख करके यकीन ही नहीं होगा कि हैरियर में इतना कम नुकसान, मतलब इसे देख करके कोई कहेगा कि ये गाड़ी 80 की स्पीड से किसी गाड़ी से टकराई है, मुझे तो नहीं लगता है। बट अब वहीं अगर आप दूसरी साइड देखोगे सेल्टोस को तो सेल्टोस का बुरा हाल है, आगे से तो ये गाड़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, मतलब ये पूरा का पूरा अच्छा खासा खर्चा होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। अभी हाँ, अगर हम लोग बात करें पैसेंजर की तो किया सेल्टोस के पैसेंजरों का तो कुछ पता नहीं, बट हैरियर के अंदर दो लोग बैठे हुए थे और एक बच्चा था और इस गाड़ी को साइड से मतलब हिट किया गया था, इसी वजह से इसके जो साइड कर्टन एयरबैग्स हैं वो खुल गए थे जिसकी वजह से अंदर बैठे लोगों को कुछ भी चोट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप लोगों को क्या मानना है कि 3 स्टार रेटिंग क्या सच में सेल्टोस के लिए काफ़ी है? क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं यार 3 स्टार है तो क्या हुआ, गाड़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, बट 80 की स्पीड पे टाटा हैरियर में इस गाड़ी ने टक्कर मारी है। जिस गाड़ी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए उसको तो कुछ हुआ ही नहीं और जिसको कम होना चाहिए उसको तो मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो आप लोगों के सामने है, आप लोगों को क्या लगता है कि सेल्टोस एक सेफ कार है या नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स बताना। और साथ ही साथ में आप लोगों को अगर आप हैरियर को लाइक करते हो तो लाइक तो दबा ही देना भाई, ये तो होना ही था टाटा की और अदर कार के, और ये एक नॉर्मल बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।